तो हेलो भाई लोग, आज देख सकते हैं हमारे पास है लावा का युवा प्रो मॉडल। ठीक है, तो इस फ़ोन को कैसे, इस फ़ोन के लिए आप लोगों को DPI बनाना है वही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आप लोगों का DPI ऑप्शन जो है एनेबल नहीं होगा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। इधर सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पहले आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन जो है ऑन करना है। तो डेवलपर ऑप्शन आप लोगों को अबाउट फोन के अंदर जाना है, स्क्रॉल अप करना है। करने के बाद इधर बिल्ड नंबर देखने को मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को 3-4 बार कंटिन्यूअस टैप करना है, तो यू आर नाउ ए डेवलपर ये लिखा आ जाएगा, मतलब आप लोगों का डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो गया। ठीक है, तो अभी बैक आ जाना है। अभी डेवलपर ऑप्शन आप लोगों को सिस्टम के अंदर जाना है, इधर आप लोगों को नया ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस, इसके अंदर जाना है। इधर आने के बाद स्क्रॉल करना है नीचे, तो इधर ड्राइंग वाला जो सेक्शन मिलेगा उसके नीचे ही स्मॉलेस्ट विथ वाला ऑप्शन मिलेगा। कुछ लोग जो है उन लोगों को तो समझ में आ गया होगा यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, जो लोग हालांकि फ्री फायर खेलते हैं उन लोगों को पता है। और इस फ़ोन के लिए रिकमेंडेड DPI रहेगा 600 से ज़्यादा, आप लोग इस फ़ोन के लिए DPI ना बढ़ाए, ठीक है, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और इस फ़ोन का डिफ़ॉल्ट DPI 360 है, और ऐसे ही आप लोग DPI यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।